वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसके आगे हमको पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमने आपको बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं वो फाइव टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, और ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो पुरानी वाली क्लास में, इसके पहली वाली क्लास में हमने इंट्रोगेटिव तक कर लिया। अब उसके आगे हमको कौन सा पढ़ना है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसके बारे में पहले तो ये जान लो इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस को कहते हैं हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आज्ञा सूचक वाक्य इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आज्ञा का भाव निकलता है, कि आज्ञा देने का ऐसा भाव निकलता है। ओके, और भी देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या रहता है कि इसमें रिक्वेस्ट का भाव, सजेशन का, ऑर्डर का ऐसा भाव निकलता है ऐसे सेंटेंसेस से। ठीक है, बस इतना ही है कि इसमें रिक्वेस्ट का भाव निकलता है, ऑर्डर जैसे किसी को हम आदेश देते हैं ना ऐसा भाव निकलता है, सजेशन किसी को सजेस्ट करना रहता है। ठीक है, और तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो कोई पूछे आपसे जब कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है बाय दीज सेंटेंसेस वी एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जानते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं ना किसी से, ऐसा भाव निकलता है इसमें रिक्वेस्ट का। ऑर्डर, ऑर्डर आदेश देने का, आदेश कौन देता है? हमारे बड़े लोग देते हैं ना हमको। सजेस्ट, सजेस्ट तो कोई भी कर सकता है। ओके, और ईटीसी लिख लो। ठीक है, ऐसे ही भाव निकलते हैं इसमें। और जो इसका इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है थोड़ा सा बिल्कुल, मतलब बोल दिया जाए अलग रहता है, ऐसा डिफरेंट रहता है स्ट्रक्चर इसका, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, और ज़्यादातर हम यूज भी करते रहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का बोलते समय। ऐसा बोलते हैं ना जब, मतलब स्कूल में बोलते होंगे कि कीप साइलेंट, चिल्लाओ मत, ऐसा बोलते हैं ना, खाना खा लो, तो ये सब इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर कैसे सेंटेंस बनते हैं वो सारा देख लेते हैं। ओके, तो इतना आया, चलो ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ। आगे देखो, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, और मैंने पहले ही क्लास जब चालू हुई तो, मतलब इसके पहले वाली क्लास में बता दिया था कि नोट्स बनाते चलो अपना। ठीक है, क्योंकि ये सारा इसको लास्ट तक तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी से एक बार कड़ी मेहनत कर लो तो हमेशा के लिए फुर्सत। चलो स्ट्रक्चर देख लो इसका, कैसे स्ट्रक्चर, कैसे सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में इसमें क्या रहता है, इस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझते हो ना, किसी भी वर्ब की फाइव फॉर्म्स होती हैं, मतलब पांच फॉर्म्स होती हैं ऐसे। फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ, थर्ड, फोर्थ होती है और फिफ्थ, ऐसा। तो जैसे मैं देख लूँ, कोई भी वर्ब ले लूँ, मान लो गो ले लिया मैंने, गो मतलब जाना होता है ना, क्रिया है, एक्शन है। ओके, तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी वो होगी वेंट। क्या होगी? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। ये अंतर है। ठीक है, जब कोई भी फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो जो उसका मेन स्वरूप होता है, मतलब जो मेन रहता है वही रहता है, सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाता है, गो का वेंट हो जाता है, थर्ड फॉर्म में गॉन हो जाता है। अब फोर्थ फॉर्म पूछे तो इसमें आई एन जी वाली फॉर्म को यूज करते हैं, इसको आई एन जी फॉर्म भी कहते हैं, गो में आई एन जी लग जाता है। और फिफ्थ फॉर्म पूछे तो गो में ई एस लग जाता है, गोज, ऐसा होता है। तो इतनी वर्ब की फॉर्म होती है। तो यहाँ जो इस स्ट्रक्चर में, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म। तो इसको रफ कर रहा हूँ,
डिफरेंस बता दिया बस, यहाँ पे इतना ही जानना है वर्ब के बारे में, फिर वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और ऑब्जेक्ट यूज होता है, सिर्फ इतना आता है ऑब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस बड़ा हुआ तो उसमें अदर वर्ड्स भी आ जाते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में तो तुमने जान लिया, ऑब्जेक्ट के बारे में इसकी पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि मतलब इसकी पिछली वाली क्लास में, अब जो रेगुलर छात्र होगा जो रोज़ रोज़ मेरा वीडियो देखता होगा उसको तो सारा ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम रहेगा, लेकिन तब भी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक। तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं, वैसे यहाँ पे उसकी डिफिनीशन का कोई वो नहीं है, ठीक। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन का यूज होता है और प्रोनाउन का यूज होता है, ये मैंने बताया था। तो नाउन में तो चाहे वो नाउन सब्जेक्ट की जगह यूज हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो, तो नाम जैसे रहता है वैसे ही नाम रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जैसे प्रोनाउन में क्या है, मान लो ही हम प्रोनाउन ले लेते हैं, तो जो ही है वो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। ये आप लोगों को प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं है तो बुक पीछे खोलना उसमें देखना, ठीक है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही अगर आ गया, सब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट, तो गलत हो जाएगा। प्रोनाउन जितने भी यूज करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव केस वाले यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस वाले नहीं यूज करते। ऐसे ही थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, जैसे सी है तो सी जो है ये हमारा हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हर होता है। क्या होता है, हर, कोई भी पूछे तो हर होता है। और ऐसे ही देख लो, थोड़ा सा देख लो, तो जिससे अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो तुम लोगों को आसानी होगा। ही का आया ना, ही सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का, ओके। और आगे देख लो, मान लो तुमसे कह दिया जाए यू, तो यू भी एक प्रोनाउन है, तुम किसी का नाम तो है नहीं, जो नाम नहीं है वो प्रोनाउन है, ओके। तो यू जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट की तरह भी यू यूज होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ठीक। तो कभी तुम ऑब्जेक्ट की जगह भी यू आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह भी यू जाएगा। अब लड़के पूछते हैं कि सर इसमें सब्जेक्ट तो आया ही नहीं, तो जो आप इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट हमेशा छुपा रहता है, क्या रहता है, छिपा रहता है। और सब्जेक्ट क्या छिपा रहता है, यू, यू जो है इसमें हमेशा छिपा रहता है, उसको अपने मन के अंदर रखना है, छिपा हुआ है हमेशा के लिए, कभी यूज नहीं करना, ठीक है। बस मन के अंदर रखो, हाँ सर ने बताया था इसमें यू छिपा रहता है, ठीक, सब्जेक्ट की जगह। डायरेक्ट बस इसकी शुरुआत वर्ब फर्स्ट से होती है, ऑब्जेक्ट से होती है, ओके। ऐसा होता है कि उसमें यू इसलिए छुपा रहता है, जैसे हम किसी से बोलते हैं ना कि गेट बंद कर दो, तो किसी की तरफ इशारा कर दिए कि तुम गेट बंद कर दो, और डायरेक्ट बोल देते हैं कि गेट बंद कर दो, क्लोज द डोर, ओके। ऐसा यूज करते हैं कि नहीं, तो आगे देखते हैं। हुआ इतना, ये ऑब्जेक्ट समझ गए ना, कैसे प्रोनाउन और उसमें डिफरेंस करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने लिखा दिया कि वर्ब फर्स्ट से शुरुआत होती है, और पहले वर्ब फर्स्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं, थोड़े से एग्जांपल देख लो बस, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से लिखे दे रहा हूँ, सेम वही चीज़ फॉलो करेंगे, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो जैसे बोल दो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले तो ये देख लो, सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, ठीक है। यू यहाँ पे क्या छिपा है, मतलब उसके बोलने का अर्थ ये है कि तुम दरवाज़ा खोल दो, तो हमेशा यहाँ पे यू छिपा रहेगा, ठीक। तो यू को तो हमको क्रॉस कर देना, ठीक। अब हमारा जो स्ट्रक्चर था वो वर्ब फर्स्ट से शुरुआत कर रहे थे, तो ओपन देखो क्या है, खोलना वर्ब है ना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, और द डोर ऑब्जेक्ट है, ओके। आया ना, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया वही फॉलो हो रहा है ना, कि वर्ब फर्स्ट से शुरुआत कर रहे हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और यू इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है। आगे देखो, ऐसे ही एग्जांपल और लिख लो,
बोला जाए लव योर कंट्री एंड कंट्री मैन, ठीक है। तो देखो इसमें लव जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। और ये सारा चीज़ क्या हो गया, मतलब प्यार करो अपने देश से और देशवासियों से, ऐसा मतलब देश के आदमियों से, ऐसा कुछ है कंट्रीमैन, ओके। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हो रहा है ना इसमें कि वर्ब फर्स्ट भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, जो हमने स्ट्रक्चर बताया सारा कंप्लीट हो रहा है ना। चलो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।